नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस के अवसर पर अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा जिला चिकित्सालय महोबा में स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अतिथियों तथा रक्तदाताओं को गुलदस्ता व प्रमाण पत्र प्रशस्ति पत्र देकर उनके नेक कार्य की प्रशंसा की गई। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस के अवसर पर अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा जिला चिकित्सालय महोबा में स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक महोबा ने जिले वासियों से अपील की कि रक्तदान की मुहिम में जुड़कर इस अभियान में अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। आपको बता दें कि विंग्स एक उड़ान संस्था की शुरुआत के बाद जिले में रक्तदाताओं की संख्या बढ़ी है, साथ ही ब्लड बैंक में ब्लड की उपलब्धता भी, जिसका पूरा श्रेय विंग्स के संचालक और विष्णु गुप्ता को जाता है, जिन्होंने ये कठिन कार्य कर दिखा है। मुझे ये अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया है। इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, जिसमें मैं यहाँ पर आई हूँ। ये अमर उजाला फाउंडेशन का बहुत अच्छा प्रयास है। ब्लड डोनेशन एक बहुत ही पवित्र काम है, जो मैं सभी का आह्वान करूँगी कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे जनपद के वासी जो हैं इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। मैं पुलिस परिवार की तरफ से भी इनको सभी सहयोग देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। बीसीएन न्यूज के लिए मौपा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आज प्रेस क्लब हापुड़ व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम उपजिलाधिकारी हापुड़ को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि मृतक पत्रकार की पत्नी को उसकी योग्यता अनुसार एक सरकारी नौकरी व उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार वहन करे और उसके परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद भी दी जाए, और साथ ही पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा को लेकर सरकार से कानून बनाने की मांग भी की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या की गई थी, जिसका आरोप वहां के शराब माफियाओं पर लगाया गया था। मृतक पत्रकार ने शराब माफियाओं के खिलाफ एक खबर चलाई थी, जिसको लेकर शराब माफिया पत्रकार को आए दिन धमकी दिया करते थे, जिसकी सूचना मृतक पत्रकार ने एडीजी प्रयागराज को पत्र के माध्यम से दी थी, लेकिन ना तो अधिकारियों ने और ना ही सरकार ने उस पत्रकार को किसी प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई थी, जिसके बाद मृतक पत्रकार का शव कटरा गांव के निकट एक भट्टे के नजदीक मिला था, जिसमें पुलिस ने हादसे में उसकी मौत हुई ये बता रहे थे। लेकिन मृतक पत्रकार ने जिस तरह से अपनी सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को चेताया था, उससे कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि शराब माफियाओं द्वारा मृतक पत्रकार की हत्या निर्मम तरीके से की गई है। इसी को लेकर आज प्रेस क्लब हापुड़ व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन हापुड़ ने संयुक्त रूप से मिलकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें पत्रकारों ने मांग की है कि प्रतापगढ़ में मारे गए पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव के कातिलों को गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको सजा दिलाई जाए और मृतक पत्रकार की पत्नी को शिक्षा के अनुसार सरकारी नौकरी तथा उसके बच्चों की शिक्षा का खर्च सरकार वहन करे और साथ ही मृतक परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाए। तो वहीं पत्रकारों ने मांग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की है और साथ ही एक मीडिया कमीशन का गठन भी किया जाए, जिससे पत्रकारों के साथ हो रही इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। पहले भी देखा गया है पत्रकारों के ऊपर खबर चलाने को लेकर के उनकी हत्या जैसी गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। आज अभी ताजा मामला प्रतापगढ़ का है, जहां एक हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ही एक पत्रकार थे, जिनकी हत्या की गई है। उन्होंने जबकि वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस चीज की सूचना दी थी, शराब माफिया के खिलाफ उन्होंने कोई खबर चलाई थी। अगर प्रदेश के अंदर खबर चलाना अगर जान जोखिम में डालना है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ अहम कदम उठाए जाएं। और जबकि पत्रकार पिछले काफी समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग भी करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। तो आप सभी के चैनलों के माध्यम से मेरी सरकार से गुजारिश है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर कानून बनाया जाए, जिससे इस तरह के माफिया इस तरह की घटना करने से पहले 100 बार सोचे। देखिए, प्रतापगढ़ में हमारे पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव, उनकी हत्या कर दी गई है माफियाओं के द्वारा। हापुड़ प्रेस क्लब ने ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल को एसडीएम के द्वारा, जिसमें हमने मांग की है कि मृतक के कातिलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी की सजा दिलाई जाए
और मृतक परिवार वालों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिलाई जाए, मृतक के बच्चों को शिक्षा फ्री की जाए और उसके परिवार को शिक्षा के अनुसार सरकारी नौकरी दिलाई जाए। और इसके अलावा अभी तक देखिए प्रदेश में नहीं पूरे देश में आए दिन पत्रकारों की हत्याएं होती रहती है, लेकिन कोई भी सरकार पत्रकारों के प्रति गंभीर नहीं है। हमारी ये भी मांग है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कानून बनाया जाए और पत्रकार कमीशन लागू किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो सके। सर, हापुड़ में पत्रकारों ने आपको एक ज्ञापन दिया है राज्यपाल के नाम पे, क्या उनकी डिमांड थी? आज पत्रकार बंधु तरफ प्रतापगढ़ में हुई घटना के कारण जो है यहाँ पे आज उन्होंने ज्ञापन रखा है, अपनी मांगे रखी हैं। उनकी जो भी मांगे होंगी उनको जो है उचित तरीके तक पहुँचाई जाएंगी। आज हमारे द्वारा ज्ञापन जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित कर दिया। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बिहार की खबरों की ओर। बलरामपुर के रौतारा गांव में दर्जन भर से अधिक नकाबपोश डकैतों ने कालूदास के घर में डाका डाला, नकद 8,000 सहित 26 भरी चांदी और एक भारी से अधिक सोना को लूटा। बलरामपुर प्रखंड के रौतारा गांव में रविवार मध्य रात्रि नकाबपोश डकैतों ने कालूदास के घर में जमकर उत्पात मचाया। कालूदास बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष भरत लाल दास के भाई है। दास ने बताया कि रविवार रात के 12-1 बजे के बीच 15 नकाबपोश डकैत मेरे घर में अचानक घुस गए। पहले मुझे और मेरी पत्नी को खंभे से बांध दिया और मेरे घर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। फिर मुझे जान से मारने की कोशिश की तो मेरी बेटी ने दरवाजे खोल दी। फिर सभी डाकू घर पर घुसकर नकद 8,000 सहित लगभग 26 भरी चांदी का जेवर और एक भरी से अधिक सोने का जेवर लूट लिया। उसके बाद कालूदास के बड़े भाई के घर जाकर उनके घर में उत्पात मचाया और लुटन दास को बुरी तरह से जख्मी हो गए। इन्हें बम का झटका लगा है। आपको बता दें कि डेल्टा ओपी से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर ये घटना हुई है। इस संबंध में बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष भरत लाल दास ने बताया है कि इस तरह की घटना बहुत दिनों से नहीं घटी थी, लेकिन ऐसा घटना बहुत दहशत में डाल दिया है। घटना के बाद डेल्टा ओपी पुलिस बलरामपुर पुलिस SDPO आदि पहुंचकर अपराधी की तलाश की तफ्तीश की जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए कटिहार बलरामपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। पुलिस जिला नवगजिया के बिहपुर प्रखंड के मडवा गांव में अवैध तरीके से चल रहे आरा मिल को लेकर आसपास के लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी किया है। वीडियो के माने तो बिहपुर प्रखंड मडवा गांव में अवैध तरीके से भारी भरकम आरा मिल का संचालक किया जा रहा है। बगल के रहने वाले मुंजन कुमार ने मीडिया को बताया कि हमारे घर में हार्ट अटैक का पेशेंट है और दिन रात अभी तरीके से चला रहे मशीन की आवाज से बहुत सारी परेशानियां आती है, नहीं तो कोई खुला जगह है, गांव के बीचों बीच मशीन चलाया जा रहा है। हालांकि मामला कुछ भी रहे प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा। भागलपुर थाना बेपुर मरवा गाँव से बोल रहा हूँ। ये गाँव 18 नंबर गुमटी फाटक के बाद पड़ती है, क्योंकि मेरे घर के साम बगल में एक आरा मिल संचालित होती है, जो कि ना उसका कोई बाउंड्री वॉल है ना कुछ है, और उसकी डस्ट उड़ते रहती है, इंजन चलता है उसका ढक्कन उठे रहता है। और मेरे घर में एक माँ है जो कि हार्ट का पेशेंट भी है, और मेरा घर भी देख सकते हैं आप कितना दरक रहा है, वो घर के गिर रहा है इसके कारण से। चलिए आपको वीडियो भी दिखाता हूँ आरा मिल जो संचालित हो रही है उसकी। बीसीएन न्यूज के लिए नवगछिया बिहपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अधिक खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।